आई मैं सर डॉक्टर सलमान फ्रॉम कोबरा हिजामा एंड दी सेंटर। जैसे कि हमने पहली वीडियो बनाई थी, आज की सेकंड पार्ट बना रहे हैं एक्ने पिगमेंटेशन के लिए, जो होम रेमेडीज या घरेलू नुस्खे होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं 3 ऐसे नुस्खे बताऊँगा जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्ने वगैरह नष्ट करने के लिए, चेहरा साफ करने के लिए, स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या करना है। पहले नुस्खे के अंदर आपको ये मसूर की दाल होती है, ठीक है, ये मसूर की दाल होती है, इसको इस मसूर की दाल को बारीक पीस लेना है, ऐसा पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को फिर आप इस पाउडर को मिल्क दूध के साथ दूध में डाल के, ये मिल्क है, इसे दूध में डाल के और अच्छे से फेंटना है, अच्छे से, बहुत अच्छे से फेंटना है दूध में मिला के। थोड़ा सा दूध क्वान्टिटी कम लीजिएगा ताकि थोड़ा सा रफ रहे, वो गाढ़ा बन जाए, गाढ़ा टाइप, अच्छे से फेंटना है। उसके बाद इसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, फेस पे अप्लाई करके आपको 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है और 15-20 मिनट में हल्के हल्के इसको रब करते हुए, मसाज करते हुए चेहरे पे से इसे साफ कर लेना है, चेहरा धो लेना है अपना साफ, ऐसा रोज़ करना है। दूसरे नुस्खे के अंदर इसे कहते हैं नरकाचूर, इसे वाइट टर्मरिक भी कहते हैं, नरकाचूर, ठीक है, एक जड़ी बूटी होती है, जड़ होती है ये। इसको क्या करना है, आप पहले लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के किसी पत्थर पे, सिलवट्टे पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घिसने वाली, उस पानी डाल के इसको ऐसे आप घिस लेंगे पानी के साथ, इसे पानी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपको घिस लेना है। घिस के जो इसका पेस्ट बनेगा उसे आपको अपने एक्ने वगैरह पे और जो चेहरे पे मार्क्स पिगमेंटेशन है उस पर हल्का सा लेप लगाना है, ठीक है, लेप लगाना है। इसे भी 15 मिनट या आधे घंटे के लिए छोड़ना है, उसके बाद आपको अपना फेस को वॉश कर लेना है। तीसरा नुस्खा ये होता है छुआरा, इसे छुआरा बोलते हैं, ड्राई डेट्स, ठीक है, ये खजूर जो ड्राई हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं छुआरा। इसके अंदर गुठली होती है, इसको हम खोल के ना इसके अंदर से ये गुठली निकाल लेंगे, ठीक है, ये गुठली हमने निकाल ली। उसके बाद हमने क्या लिया, ये लिया विनेगर, सिरका, ठीक है, विनेगर लेंगे। विनेगर को थोड़ा सा हमने डाला पत्थर पे या सिलबट्टे पे, किसी चीज़ पे जिसमें हम इसको घिस सके, और ये गुठली ली हमने, गुठली को ऐसे ही घिसना है, ठीक है, गुठली को विनेगर के साथ घिसना है, जो उसका पेस्ट बनेगा उसको आपको अपने एक्ने वगैरह पे लगाना है, पिंपल्स वगैरह पे, दानों पे, झाइयों पे लगाना है, और 1 घंटे के लिए, 1 आवर, और 1 आवर यू हैव टू लीव इट, आपको 1 घंटे के लिए इसको छोड़ना है। उसके बाद आप अपना फेस साबुन से, सोप से, या किसी फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये 3 तरीके हैं, ये 3 तरीके करिए, आप एक हफ्ता या 15 दिन में आपको चेहरे में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चेहरा आपका साफ हो जाएगा, ये एक्ने पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये नुस्खे हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो लोग हमारे सेंटर विजिट ना कर सकें वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सकें, और ये सब चीज़ आपको बहुत सस्ते रेटों में, घर में ही तो घर में ही अवेलेबल हो जाती है, बहुत सस्ते रेटों में मिल जाएगा, ठीक है। हमें अगली वीडियो में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इन चीज़ों का लाभ उठा सकें, ठीक है। आई एम डॉक्टर सलमान फ्रॉम कोबरा हिजामा एंड दी सेंटर, थैंक यू।